आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन इज, हमें असर्शन और रीजन दिए गए, ठीक है। असर्शन बोला गया, द सेल्फ पोटेंशियल ऑफ मर्करी सेल इज 1.35 वोल्ट व्हिच रिमेंस कांस्टेंट, ठीक है। और इसका रीजन बताया गया है कि इन मर्करी सेल द इलेक्ट्रोलाइट इज अ पेस्ट ऑफ KOH एंड ZnO, ठीक है। तो देखो, पहले हम देख लेते हैं मर्करी सेल क्या होता है। देखो, मर्करी सेल हमारा प्राइमरी सेल होता है और ये नॉन रिचार्जेबल होता है, ठीक है। इसका जनरली यूज कहाँ करते हैं हम, हमारी वॉचेस में या फिर कैमराज में, ठीक है। और ये जो नॉन रिचार्जेबल होता है, इसका मतलब ये है कि इररिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होती है इसमें, ठीक है। तो देखो, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि हमारा जो मर्क्यूरी सेल होता है, मर्क्यूरी सेल जो होता है ये हमारा प्राइमरी सेल होता है, ठीक है, प्राइमरी सेल होता है, ठीक है। प्राइमरी सेल का मतलब नॉन रिचार्जेबल, ठीक है, नॉन रिचार्जेबल होता है, ठीक है। और नॉन रिचार्जेबल का मतलब ये होता है कि इसमें इरिवर्सिबल जो रिएक्शन होगी वो नहीं होगी, ठीक है। मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगी, इसका मतलब ये है कि इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन रहेगी, ठीक है, इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। इरिवर्सिबल का मतलब क्या है कि रिवर्सिबल नहीं होगी, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर अगर हम देखें कि इसका यूज कहाँ होता है, तो हम यूज करते हैं इसको वॉचेस में, ठीक है, और उसके अलावा कैमराज में, ठीक है, कैमरा में। अब देखो, अब अगर मैं आपको यहाँ पर रिएक्शंस बताऊं, तो देखो, हाफ सेल कैथोड रिडक्शन की रिएक्शन और हाफ सेल एनोड ऑक्सीडेशन की रिएक्शन जो होती है सेल में, वो बताती हूँ। तो देखो, यहाँ पर जो रिएक्शन होंगी वो होंगी, पहले देखते हैं हाफ सेल कैथोड रिडक्शन के लिए, ठीक है। तो देखो, पहली रिएक्शन जो होगी इसमें देखो HG होता है, HGO, ठीक है, और होता है हमारा H2O, ठीक है, और दो इलेक्ट्रॉन, तो इससे जो हमें मिलेगा वो होता है Hg+2OH-, ठीक है। ये तो होती है हमारी कैथोड पर रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद होती है हमारी, अगर हम एनोड पर देखें तो एनोड पर हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, और वो क्या होगी, तो देखो हाफ सेल एनोड ऑक्सीडेशन, ठीक है, यहां पर तो रिडक्शन होगी, यहां पर हमारी ऑक्सीडेशन होगी, और ऑक्सीडेशन में क्या होगा, Zn+2OH-, ठीक है। तो ये होगी हमारी ZnO+H2O+2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये होगी। तो जो ओवरऑल रिएक्शन होती है, देखो यहां पर अगर मैं आपको कंप्लीट ओवरऑल रिएक्शन बताऊं, तो वो क्या होगी, ओवरऑल रिएक्शन देखो ये होती है Zn+HgO, तो ये होता है ZnO+Hg, ये हमारी कंप्लीट रिएक्शन होती है इसकी। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो रिएक्शन हो रही है, तो इसमें हमारे कोई भी आयन फॉर्म नहीं हो रही रिएक्शन में, ठीक है। और जब आयन फॉर्म नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये क्या है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन का, वो क्या होगा, हमारा सेम रहेगा, इसका मतलब क्या है कि कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि नो आयंस फॉर्म्ड, देख कोई भी आयन फॉर्म नहीं हो रहे यहाँ पर, ठीक है, तो नो आयंस फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। तो जब कोई आयन फॉर्म नहीं हो रहे रिएक्शन में, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन होगी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, जो कॉन्सेंट्रेशन होगी सॉल्यूशन की, वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है, विल रिमेन सेम, इसका मतलब क्या है कि कॉन्स्टेंट रहेगी, ठीक है। और कॉन्स्टेंट रहेगी तो इसका जो हमारा पोटेंशियल आएगा, ठीक है, जो सेल पोटेंशियल रहेगा वो भी क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, और जो सेल पोटेंशियल दिया हुआ है वो है हमारा 1.35 वोल्ट, ठीक है। जो सेल पोटेंशियल है वो भी क्या रहेगा, रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है, रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब सेल पोटेंशियल कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब, और कितना दिया हुआ है, 1.35 वोल्ट होता है, ठीक है, तो ये है,
ठीक है, अब और आगे बात करते हैं। यहाँ पर जो ये दिया गया है हमें, देखो असर्शन जो बोला गया है, जो सेल पोटेंशियल है मरकरी सेल का, वो 1.35 होता है, जो कि कॉन्स्टेंट रहता है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा ये है, ये तो हमारा ट्रू है, ठीक है, असर्शन तो बिल्कुल ट्रू है। अब रीजन देखते हैं। रीजन में हमें बोला गया है कि जो मरकरी सेल है उसका जो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट इज अ पेस्ट ऑफ KOH एंड ZnO, ठीक है, KOH और ZnO का पेस्ट होता है। तो ये जो रीजन है ये भी हमारा कम्प्लीटली ट्रू है, क्योंकि मरकरी सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट जो पेस्ट होता है वो हमारा किसका होता है, KOH और ZnO का ही होता है, ठीक है। तो ये दोनों सही है, बट हमारा जो रीजन है वो हमारे असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि मरकरी सेल का जो जो पोटेंशियल है वो 1.35 होता है, क्यों होता है, कॉन्स्टेंट क्यों होता है, ठीक है, ये इसको ये नहीं बता रहा, ठीक है। ये तो ये बता रहा है कि इसका जो पेस्ट होता है वो KOH और ZnO होता है, ZnO का होता है, तो ये तो सही है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा देखो क्या सही होगा, हमारा असर्शन सही है, रीजन सही है, लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो देखो फर्स्ट दिया गया है, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ये गलत है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, ठीक है। सेकेंड बोला गया, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।